नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग के लिए बताने जा रहा हूं, एक ई रिक्शा मेरे पास आई है जिसका चारों बैटरी बिल्कुल नया है, वोल्टेज भी बिल्कुल सही दिखा रहा है, उसके बावजूद भी चाबी ऑन नहीं हो रही है और एक्सीलेटर लेने पर गाड़ी नहीं चल रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने इसको वोल्टेज मैंने चेक किया, वोल्टेज बिल्कुल सही है। फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि वोल्टेज सही होने के बावजूद भी इसका चाबी ना ऑन हो रहा है ना गाड़ी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है। वीडियो को पूरी देखेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले मैं आपको चाबी पहले चलता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं चाबी लगा हुआ है, इसे मैं ऑन करता हूँ, आप देखिए मीटर पर ध्यान देंगे। ये देखिए ऑन करने के बाद देखिए मीटर में लाइन बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं फिर से आपको चेक करके दिखाऊं, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं लाइन नहीं आ रही है। जब हम थ्रोटल ले रहे हैं तो गाड़ी चल भी नहीं रही है। कभी क्या होता है मीटर खराब होता है, लाइन इसमें शो नहीं करता, लेकिन थ्रोटल लेने पर गाड़ी चलता है, लेकिन इसका गाड़ी ना ऑन हो रही है ना चल रही है, जबकि बैटरी इसका बिल्कुल नया है। चलिए पहले मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता हो तो पहले आप बैटरी को चेक कर ले कि उसका तार तो नहीं टूटा हुआ। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ये बैटरी देखिए बिल्कुल नई है, तार बिल्कुल सही है। देखिए इसमें लेकिन देखिए टूटिया लगा हुआ है। आप समय समय पर इसे गर्म पानी से साफ करते रहें तो टूटिया आपका नहीं लगेगा। आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए तार बिल्कुल सही है। कभी ऐसा होता है कि ये तार टूट जाएगा तो आपका जो है गाड़ी में लाइन नहीं आएगा और नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले जब प्रॉब्लम होता है रास्ते में कभी, तो आप पहले बैटरी को चेक कर लें। इसका भी रास्ते में प्रॉब्लम आया, गाड़ी को घींच करके लाया, देख सकते हैं ये देखिए चारों तार बिल्कुल जो लगा है देखिए बिल्कुल सही लगा हुआ है, चारों बैटरी भी इसका बिल्कुल नया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो रास्ते में इसे घींच के लाना पड़ा। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। ये देखिए चलिए आगे का सीट में खोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सारा कनेक्शन रहता है। ये पीडब्ल्यू का जो डब्बा है बॉक्स, इसको पहले मैं खोल लेता हूँ। दोनों दो स्क्रू लगे हुए थे, दोनों पिचकस से मैं सारा में दोनों स्क्रू को खोल लेता हूँ। अभी मैं आपको मीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा, इसमें वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चाबी ऑन नहीं हो रहा और चल भी नहीं रहा है, क्योंकि रास्ते में इसका प्रॉब्लम आया, गाड़ी को इसको घींच के लाना पड़ा है। तो आप लोग ऐसा काम ना करें, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप खुद से ये काम करेंगे तो आपको गाड़ी घींचना नहीं पड़ेगा और आप रास्ते में ही इसको आप सही कर लेंगे और फिर आप मैकेनिक पर आकर करके वो काम को पूरी तरह से अच्छी तरह से सही कर सकते हैं। आप रास्ते में आप मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ जिससे आप खुद भी करेंगे तो आपका आराम चलाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं ये काला तार देख रहे हैं, ये निगेटिव है, ये लाल तार जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, इसमें 48 वोल्ट का सप्लाई आना चाहिए। तो पहले अब मैं मल्टीमीटर को आपको 200 पर पहले कर देता हूँ, फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब मीटर पर ध्यान देंगे, इसमें 48 वोल्ट 50 वोल्ट दिखना चाहिए, यानी कि जब वो आपको दिखेगा तो समझ जाइएगा आपका बैटरी का जो वोल्टेज है बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ इसमें देखिए दो तार लगा था, एक काला एक लाल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, आपको काला का तार को काला में नेगेटिव में लगाना है, लाल तार को प्लस वाले में पॉजिटिव में लगाना है। देखिए आप देख सकते हैं ये प्लस मैंने लगा दिया, अभी देखिए मैं मालिक में लगाऊंगा तो आप मीटर पर ध्यान दे, देखिए आपको 50 वोल्ट दिख रहा है, तो यानी कि ये वोल्टेज बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। बैटरी से जो वोल्टेज है ये बिल्कुल सही आ रहा है, उसके बावजूद भी चाबी ऑन नहीं हो रही है। तो मैं आपके एमसीबी थोड़ा चेक कर लेता हूँ, एमसीबी देखिए बिल्कुल सही है, और स्विच से जो ऑन होकर तार आता है, स्विच ऑन करने के बाद तार में जो वोल्टेज आता है 48 वोल्ट, उस तार को भी मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक तार है जो आप जो जब चाबी ऑन करते हैं तो वहाँ से 48 वोल्ट का सप्लाई चाबी के द्वारा, यहाँ देखिए ये भी बिल्कुल सही है, तार बिल्कुल लगा हुआ है, चाबी ऑन करने के बाद इसमें 48 वोल्ट का सप्लाई आता है। तो ये चलिए ये बिल्कुल भी देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ चाबी के पास, अब देख लेंगे ये चाबी जो लगा हुआ है, इस चाबी को पहले हम लोग जो है चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ये चाबी खराब हो जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये गर्दन के पास जो आप देख रहे हैं वायरिंग, यहाँ भी तार टूट जाता है तो ऐसा होता है कि करंट नहीं मिलता है तो ये काम नहीं करता है। तो पहले हम लोग चाबी का जो नोब है उस नोब को खोल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको मल्टीमीटर से पहले चाबी स्विच को चेक कर लेंगे, अगर वो चाबी स्विच बिल्कुल सही रहेगा फिर हम लोग गर्दन के पास जो वायरिंग तार है उसको कटिंग करके देखेंगे। कभी कभी वहाँ तार जो है हैंडल घुमाते घुमाते वहाँ तार कमज़ोर हो जाता है तो टूट जाता है। तो चलिए पहले हम लोग स्विच को चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को आपको व्हिप के मोड पर ला देना है, जहाँ आवाज़ करता है उस मोड पर देखिए मैं ला रहा हूँ, यहाँ पर आपको ले आना है। उसके बाद आप उसका दोनों तार जो है उसको देखिए मैं दोनों सटा रहा आपस में, यहाँ देख सकते हैं ये मीटर शो कर रहा है। इसी तरह से आप जो है स्विच को चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए इसी तरह अगर आपका स्विच सही रहेगा इस तरह से आपको वोल्टेज देखेगा और उसमें आवाज़ भी करेगा, सीटी टाइप का आवाज़ करता है। तो चलिए पहले हम लोग स्विच का जो तार है उसके तार कोड में दोनों ये मल्टीमीटर का तार जो है नेगेटिव पॉजिटिव को अलग अलग तार में घुसाते हैं। ये दो तार रहता है, किसी किसी में चार भी तार रहता है लेकिन दो ही तार काम करता है, चार तार रहता है दो तार फॉल्स रहता है। इसमें मैं देखिए दोनों में एक एक तार लगा देता हूँ और जब हम चाबी को ऑन करेंगे तो व्हिप का आवाज़ भी आएगा और मीटर में भी शो करेगा। अगर ऐसा करता है तो आपका स्विच बिल्कुल सही है, अगर नहीं करता है तो आपका स्विच खराब हो चुका है। इसका पहले भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने दिया है लेकिन कोई भी तरह का सिग्नल नहीं दिखा रहा है, ना ही उस ढंग का आवाज़ आ रहा है। तो चलिए पहले एक बार फिर से मैं चाबी ऑफ ऑन करके देख लेता हूँ।
ये देखिए मैंने चाबी को ऑन कर दिया है, अब मल्टीमीटर पर मैं आप ध्यान दें, ये देखिए बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, ये इसका स्विच जो है ये ही खराब हो चुका है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम इसको आया है। तो चूंकि ये मेरे पास लेकर आया तो मैं इसमें एक नया स्विच लगा दूंगा, लेकिन आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास साथ ये रास्ता में अगर हो जाता है तो आप इस पुराने स्विच से ही किस तरह आप करेंगे कि फिर आप गाड़ी चला के आप जगह पर मिस्त्री के पास मैकेनिक के पास आ सकते हैं और बदल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको जो है खोल लेता हूँ मीटर को और स्विच को निकाल कर नया स्विच लगा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप पुराने स्विच को भी क्या आपको कर देना है जिससे आपको आसानी से आप जो रास्ते में इस तरह प्रॉब्लम आता है तो आप मंजिल तक पहुँच सके और मैकेनिक के पास पहुँच सके। तो चलिए पहले मैं इसको स्विच को पहले खोल करके नया स्विच लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास आया है तो मैं टेम्प्रोरी काम नहीं करूँगा, अस्थाई ही काम कर दूँगा इसलिए। लेकिन रास्ते में अगर आपको होता है अगर तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह रास्ते में अगर ये प्रॉब्लम आता है, आपका स्विच ख़राब होता है तो आप उसको किस तरह से इसे करेंगे कि आपका स्विच जो है काम करेगा और आप जो है मैकेनिक तक पहुँच के और या जहाँ तक जाना चाहते हैं आप वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसका स्विच को खोल लेता हूँ। ये देखिए यहाँ एक स्क्रू लगी हुई रहती है, आप जो है पेचकस का सहारा उसको आपको खोल के हटा लेना है। चलिए पहले मैं स्विच को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद इसमें मैं नया स्विच लगा दूंगा। एक पेचकस ले ले, पेचकस से आपको जो है खुल जाएगा। देखिए स्क्रू को जो है उधर से आप जिस तरह मैं खोल रहा हूँ उस तरीके से आप जो है तो खोल लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको नया लगा के दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से आराम से खुल जाता है, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है स्विच खोलने में, ये मैंने खोल लिया है। तो इस तरह से मैं देखिए मैं नया स्विच को पहले लगा लेता हूँ, तो लगा लेता हूँ। ये देखिए नया स्विच है, पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। इस तरह से बहुत ही आसान है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इस तरह के देखिए आप लगा ले, देखिए सेंटर मिला के लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा। इस तरह के से आपको पेचकस के द्वारा आप इसको फिर से टाइट कर ले अच्छे तरीके, जिस तरह आपने खोला सेम उसी तरह के से अच्छी तरीके से टाइट कर ले। देखिए मैंने ले सेट कर दिया है, अब मैं इसको लगा के पहले एक बार तार लगा के चेक कर लूँगा कि चाबी ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो चलिए यहाँ देखिए मैंने फंसा दिया है, अब मैं इसे नोब को पहले फंसा लेता हूँ, चेक करता हूँ। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, तो आप नोब पे लगा लें, इस तरीके से आपको नोब को फंसा लेना है। देखिए ये फंस चुका, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से फंसा है। और उसके बाद जो है मैं एक बार चाबी ऑन करके देख लेता हूँ। ये देखिए नया चाबी है, इसे मैं ऑन करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया, देखिए आप देख सकते हैं मीटर में लाइन आना शुरू हो गया, यानी कि प्रॉब्लम इसका स्विच का ही थी, स्विच खराब था इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। ये देख सकते हैं आराम से कितना अच्छा लाइन आ रहा है। चलिए एक बार एक्सीलरेटर लेके चेक कर लेता हूँ। ये देखिए एक्सीलरेटर में ले रहा हूँ तो गाड़ी का चक्का जो है ये चलना शुरू हो गया है। तो आपने देखा यही प्रॉब्लम, चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं एक्सीलरेटर ले रहा हूँ, आपको चक्का कर दिखाता हूँ। ये देखिए चक्का चलना शुरू हो चुका है, आपने देखा ये स्विच के प्रॉब्लम की वजह से ही इनको जो है रास्ते में गाड़ी को घिसना पड़ गया। ये स्विच का ख़राब हो चुका था इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए आप इतना अच्छा चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ये स्विच का ही प्रॉब्लम था। और जिस तरह आपने खोला फिर मीटर को आप उसी तरह से दो नट लगी हुई रहती है, उस नट से आपको अच्छी तरीके से इसको फिर से टाइट कर देना है। ध्यान रखेंगे ये स्विच का ही प्रॉब्लम था, कभी कोई वायरिंग फॉल्ट होता है, लेकिन देखिए पुराना स्विच मैंने हटा दिया है, नया स्विच मैंने लगा दिया है तो अब ये काम कर रहा है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब जिस तरह से आपने मीटर को खोला सेम उसी तरह दो नट को लगा करके आपको अच्छी तरीके से नट को फिर से टाइट कर देना है। यहाँ दो स्क्रू रहता है, दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से आपको लगा के टाइट कर देना है। तो आपने देखा प्रॉब्लम कहाँ था, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपको रास्ते में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे पुराने स्विच को ही तत्काल काम करके ला सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये पुराना तार है, आप देख सकते हैं स्विच है, इस स्विच में करना क्या है, ये देखिए आप दो जो तार लगा जिसमें तार का कनेक्शन रहता है उस तार को आप कुछ नहीं करना है, दोनों को कटिंग करना है और आपस में अगर आप जोड़ देंगे तो आपका ये स्विच डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से कटिंग करके आपको जोड़ना है, इससे डायरेक्ट हो जाएगा और आप आसानी से अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं, मैकेनिक पहुँच सकते हैं, जिससे आप वहाँ जाने के बाद अपना स्विच को बदल देंगे, कोई तक दिक्कत नहीं होगी और दोनों को कटिंग करके आप उन्हें जोड़ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।